इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित उप डाकघर के नव नीतिकरण भवन का उद्घाटन कलेक्टर पी नरहरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने पोस्ट बैंक के नाम से पोस्ट ऑफिस में नई व्यवस्था को जल्द शुरू करने की बात भी कही। शासकीय कार्यों में आज भी डाक का उपयोग होता है, ऐसे में पीएम मोदी ने इस व्यवस्था को और भी हाईटेक और व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं, जिसी के मद्देनजर इंदौर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित उप डाकघर के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन कलेक्टर पी नरहरी ने किया। नया भवन पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इस मौके पर डाक सेवाओं की निदेशक प्रीति अग्रवाल भी उपस्थित थी। कलेक्टर ने इस दौरान पोस्ट बैंक के नाम से पोस्ट ऑफिस में नई व्यवस्था को जल्द शुरू करने की बात भी कही। इस व्यवस्था से कलेक्ट्रेट और राज्य शासन के जितने भी गतिविधियां हैं और विशेष रूप से हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में बहुत ही निकट संबंध रहता है, सभी गतिविधियां हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही संचालित करते हैं, तो हमारे लिए अत्यंत सुविधाजनक यह पोस्ट ऑफिस रहेगा। साथ ही कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के लिए भी, चाहे वो पोस्टल इंश्योरेंस से संबंधित हो या फिर अब चूंकि आगे आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट अपना पोस्ट बैंक के नाम से भी आगे गतिविधियां प्रारंभ कर रहा है, तो ऐसे में हमारे बैंकिंग व्यवस्था से भी निकट भविष्य में इससे जुड़ने का आसार बन जाता है। कंप्यूटराइज्ड पोस्टल डिपार्टमेंट में अब काम और भी तीव्र गति से होगा, जिससे शासन के कार्यों में और भी तेजी आने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।